2.3 में बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो मेरे ख्याल में तो आप लोग कर लोगे, कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि डिटरमिनेंट किस तरीके से मालूम करना है। 3x3 मैट्रिसेस हैं, आसानी से मालूम हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 करो ना करो बात एक ही है, क्योंकि 2.4 में आपको इस टाइप के सवाल बेतहाशा मिलेंगे कि जिसमें वैल्यूज नहीं होंगी, ए बी सी लिखा हुआ होगा। तो ट्राई करना चाहो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, इंशाल्लाह हम देखेंगे बाद में देख लेंगे। पार्ट नंबर 4 हो गया, पार्ट नंबर 5 हो गया, पार्ट नंबर 6 हो गया। पार्ट नंबर 6 में आपके पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सब चीजें आ रही हैं। तो मैं लास्ट लास्ट में आप लोगों को इन सबकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी कि ओमेगा की क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है। तो वो उसी तरह डिटरमिनेंट लो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आंसर निकालो इसका। मसला हो कहीं तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि डिटरमिनेंट वाला काम आगे भी आपने करना है। जब मैं एडजॉइंट या इनवर्स निकालूंगा तो डिटरमिनेंट तो आएगा उस वक्त भी, ठीक है? 2 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगेन इसके अंदर डिटरमिनेंट है, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सिंगुलर है कौन नॉन सिंगुलर है। क्या कैसे पता चलेगा? डिटरमिनेंट निकालोगे। तो आपने अगेन इन 6 के 6 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के डिटरमिनेंट निकालने, जिसमें डिटरमिनेंट 0 आ रहा है आप बोलोगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसमें डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, तो उस मैट्रिक्स को आप बोलोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई इश्यू होगा इन सवालों में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर। ये सवाल पेपर में भी आते थे पिछले जमानों में, तो ये मैं चलो करवा देता हूँ, डिटरमिनेंट भी कवर हो जाएगा और कुछ नया भी सीख लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे मुश्किल पार्ट पार्ट नंबर 4 ही है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं, बुक ने नाम नहीं दिया, हम कह देते हैं लेट ए, और मैट्रिक्स का गिवन है एक्स माइनस टू वन टू माइनस थ्री फोर एक्स माइनस टू माइनस वन, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। कंडीशन क्या है? बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है आपको। कंडीशन क्या है? फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। आपको बोला भाई गया ये फॉलोइंग जो मैट्रिसेस है ना ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन दी हुई है, अब कैसे एक्स निकालोगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है ना, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालो और उसको 0 के बराबर रखो, आपके पास खुद ही एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट यहां पे निकाल सकते हो, लेकिन अपनी आसानी के लिए दोबारा मैट्रिक्स को कॉपी करो और डिटरमिनेंट के सिंबल्स के साथ, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है ना, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसका डिटरमिनेंट ले लेना। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको रॉ 1 से एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि 0 तो कहीं नहीं आ रहा ना, जब 0 आता है तो आप फिर उस वाली रॉ या कॉलम से करते हो एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर वन, तो इसको हम आर वन से ही एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब रॉ 1 से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया था, सबसे पहले एक्स लिखोगे, जिस रॉ में है पहली रॉ को डिलीट करो, पहले कॉलम को डिलीट करो, ये 4 एलिमेंट आएंगे। फिर जो सेकंड एलिमेंट होता है उसके साथ माइनस आता है, अच्छा इसके साथ ऑलरेडी एक माइनस है, तो चाहो तो इस तरह लिख दो, ये वाला माइनस वही है जो मैं डिटरमिनेंट की डेफिनेशन में आपको बताया था, और ये वाला माइनस जो है इस कप में, पहली रॉ डिलीट कर दो पहला कॉलम डिलीट कर दो, तो 2 एलिमेंट ये बचेंगे 2 एलिमेंट ये बचेंगे। ठीक है, फिर तीसरा एलिमेंट क्या है 1, पहली रॉ को डिलीट करो पहले सॉरी तीसरे कॉलम को डिलीट करो, तो 4 एलिमेंट ये बच जाएंगे। ठीक है, अब वक्त आ गया वैल्यू निकालने का, तो जरा वैल्यू निकालते हैं। -3 को -1 से करो ये हो जाएगा +3, -2 को 4 से करो ये हो जाएगा -8, और अगर आप लोगों को याद हो तो फॉर्मूले में दरमियान में भी नेगेटिव आता था, तो ये अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, दरमियान में जो भी साइन होगा उसको आपको चेंज करना होता है, तो आप पहले -3 को -1 से करो, -2 को 4 से करो, और दरमियान में जो भी साइन आ रहा होगा उसको आपको चेंज करना होता है। माइनस माइनस पॉजिटिव, अगेन 2 को -1 से करो -2, 4 को x से करो 4x, दरमियान में पॉजिटिव लेकिन आपको साइन चेंज करना है, तो दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा। 2 को -2 से करो -4, x को -3 से करो -3x, लेकिन दरमियान का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ये डिटरमिनेंट है सर। ठीक है, अब जरा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3+8 क्या होता है 11x। अच्छा 2 को -2 से करो ये हो जाएगा -4, 2 को -4 से करो ये हो जाएगा -8x, 1 को -4 से करो -4, 1 को 3x से करो 3x, तो जरा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं एंड पे, 11x और -8x ये हो जाएगा 3x,
3x और 3x ये हो जाएगा 6x, -4 -4 ये हो जाएगा -8। जब यहां पे आ जाओ उसके बाद आप सिंपल जो कंडीशन लिखी हुई थी ना उस कंडीशन को इस्तेमाल करो। आप लिखो सिंस ए मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स ए लिख दो आप, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, कि बताओ आपके जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है देयर फोर उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, जो डिटरमिनेंट निकाला है ना उसको जीरो के बराबर, ठीक है। तो 6x-8 इज इक्वल टू जीरो, 6x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू सिंप्लीफाई करना 4/3 आ गई। इस तरीके से आप x निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ फाइंड द, अच्छा यार एक इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन से निकल गई, ये जो 3x3 मैट्रिक्स होती है ना इनका एडजॉइंट निकालने का तरीका तो आपने देखा था। मैंने एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या बताई थी, ट्रांसपोज लो कोफैक्टर मैट्रिक्स का। अगर 2x2 की मैट्रिक्स हो ना तो उसमें भी आप ये डेफिनेशन पे अमल कर सकते हो, लेकिन उसका एक बहुत ही आसान तरीका है। तो डेफिनेशन वाला काम भी आप कर लो, लेकिन 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का बहुत अच्छा तरीका एक होता है, छोटा सा तरीका, वो मैंने उस वक्त नहीं बताया था। अभी चलो सवाल आ गया, अभी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 पार्ट 2 ये जो है 2x2 मैट्रिक्स के, तो जरा 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं, नाम दे देते हैं इसको ए 3-1 4 2, ठीक है। अब जरा ज्वाइंट देखते हैं कैसे निकालना है। सिंपल एडजॉइंट एक ही स्टेप में आप लिखोगे। एडजॉइंट क्या होगा इसका, एडजॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो है ना इसकी पोजीशन चेंज करो, 3 और 2 है ना इसको आप क्या कर दो 2 और 3, और जो इस डायगोनल में है इनके साइन चेंज कर दो। ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा, ये -1 है तो ये 1 हो जाएगा। 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का ये तरीका होता है। कोई आपको यहाँ पे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर या कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करो, ये जो डायगनल है इस डायगनल में आप पोजीशन चेंज कर दो, और ये जो डायगनल है इसमें आप साइन चेंज कर दो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो। अगर आप इसकी डेफिनेशन लगाते हो तो डेफिनेशन पे भी यही आंसर आएगा। डेफिनेशन एडजॉइंट की क्या थी, कि कोफैक्टर निकालो, तो कोफैक्टर निकाल लो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये जो 3 है इसका कोफैक्टर निकालो, तो कोफैक्टर आप कैसे निकालते हो, जिस रॉ में है उस रॉ को डिलीट करो, जिस कॉलम में उसको डिलीट करो, पीछे 2 बच रहा है। तो 2 का डिटरमिनेंट क्या होता, कोफैक्टर में आप डिटरमिनेंट निकालते हो ना, तो 2 का डिटरमिनेंट याद रखना किसी भी एक नंबर का डिटरमिनेंट वही होगा। अगर 2 है तो 2 का डिटरमिनेंट 2 होगा, अगर -2 है तो उसका डिटरमिनेंट -2 होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मेरी मैथ, मैं बच्चों को पहली क्लास में ज्यादातर मैं बोलता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। अब लिखने का तरीका ये सही नहीं है, आप इसको इस तरह लिखो, ये जो -2 अगर आप कहना चाह रहे हो ना ये कोई मैट्रिक्स है, तो उसको इस तरह लिखो आप कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर ए की एलिमेंट है, ठीक है। अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लोगे तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो एलिमेंट है वही आएगा। इसको हम बोलेंगे 1/1 की मैट्रिक्स, मतलब ए की रॉ है ए की कॉलम है। तो 1/1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, जो एलिमेंट है ना वही डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। तो अब बच्चे इसको समझेंगे, ये वही जो हम बचपन से पढ़ते थे वो मॉड लेना, कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, डिटरमिनेंट में वो नहीं होता। अगर इन मॉड का मतलब आप डिटरमिनेंट ले रहे हो तो अगर एलिमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आंसर है, मतलब इस टाइप के जो मैट्रिक्स है उनमें डिटरमिनेंट जो एलिमेंट है वही आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अगर आपने 3 का कोफैक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, पीछे 2 बचेगा, 2 का डिटरमिनेंट 2 ही होता है। इसका मतलब 3 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट ये समझ लो मैं माइनस निकाल रहा हूँ, चलो कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। पोजीशन जरा देखते हैं, इसकी पोजीशन है 1 1, इसकी पोजीशन है 1 2, इसकी है 2 1, इसकी है 2 2। तो ऑड पोजीशन कौन सी है, ये ऑड पोजीशन है, 1 + 2 3 होता है, इसी तरह 2 1 ये भी ऑड पोजीशन है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो एलिमेंट है उनका साइन चेंज होगा। तो देखो इस पर आपको नेगेटिव लगाना है और इधर जो है आपको नेगेटिव लगाना है। अब वैल्यू क्या होगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी जस्ट मैंने साइन चेंज कर लिया, ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, कोफैक्टर निकालो, 4 का कोफैक्टर क्या होगा, जिस रॉ में डिलीट कर दो, जिस कॉलम में डिलीट करो, पीछे क्या बचेगा -1। तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे -1 लिख दोगे। अच्छा फिर हम -1 का कोफैक्टर निकालते हैं, -1 जिस रॉ में डिलीट कर दो, -1 जिस कॉलम में डिलीट कर दो, पीछे क्या बचेगा 4 बचेगा,
ठीक है, और माइनस से कौन सा आया, पोजीशन की वजह से। इसी तरह टू का कोफैक्टर निकालो, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, पीछे थ्री आएगा। ये मैं एडजॉइंट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या आती है कि सब एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकालना होता है। तो इन चार एलिमेंट के मैंने कोफैक्टर निकालनी है। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करते थे हम, ट्रांसपोज लेते थे। एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, कोफैक्टर निकालो और फिर ट्रांसपोज लो उसका। थोड़ा तो ट्रांसपोज भी ले लेंगे हम इसका, तो ट्रांसपोज लेते हैं। ये तो प्लस वन हो जाएगा ना, तो टू वन रॉ है इसको कॉलम बना दो, माइनस फोर थ्री रॉ है इसको कॉलम बना दो। तो अगर ऑब्जर्व करो ये सेम ही है दोनों मैट्रिक्स। तो हमने इसमें लंबा किया है काम अपना, फालतू में हमने जॉइंट की डेफिनेशन लगा के सॉल्व किया। ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जस्ट इस वाले की पोजीशन चेंज करो, इसके साइन चेंज करो, डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा। तो तभी मैंने बताया टू बाय टू मैट्रिक्स को डेफिनेशन के जरिए से एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये काम करोगे एक ही स्टेप में एडजॉइंट आ जाएगा। हाँ, जो थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है उसमें आपको पूरा काम करना पड़ेगा, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज देना पड़ेगा, फिर ये मसला है। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल? अभी अगर किसी को कुछ बातें क्लियर नहीं है ना, इंशाल्लाह अभी मैं एडजॉइंट निकालूंगा थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स का, तो मजीद आप लोगों को बातें क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है ना, इसमें पार्ट फोर पार्ट फाइव में थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स है, पार्ट नंबर थ्री में भी आपको थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स नजर आ रही है। तो जरा देखते हैं इनके हमने एडजॉइंट कैसे निकालने। एडजॉइंट निकालने का मौका मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको एडजॉइंट निकालना है। तो मैं एक थ्री बाय थ्री की प्रॉपर एग्जाम्पल दूंगा, उसमें इनवर्स भी आप निकालोगे, डिटर्मिनेंट भी निकालोगे, एडजॉइंट भी निकालोगे। तो इनशाला एडजॉइंट मैं क्वेश्चन नंबर सेवन में निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है, टाइम लगता है उसके ऊपर। तो सारे एक ही सवाल में कवर हो जाएंगे, तो अभी घबराना नहीं कि सर मैं करवा क्यों नहीं रहा। पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव जो है ना, फोर का आप लोग ट्राई कर लेना, मैं एक एग्जाम्पल इसकी बाद में करवा दूंगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, वो पार्ट नंबर फाइव है। पार्ट नंबर फाइव में क्या लिखा हुआ है, एक डायगनल मैट्रिक्स है, फाइव जीरो 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 सिक्स जीरो 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 सेवन। देखो, जो डायगनल मैट्रिक्स होती है ना, उसका डिटर्मिनेंट निकालना, एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना बड़ा आसान होता है, तीनों काम बड़े, मैं तो बता रहा डायगनल मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है इसका, एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जगह नहीं है यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं, अगर इस मैट्रिक्स को हम ए नाम दे देना, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। निहायत ही इजी तरीका होता है डायगनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का, जो एलिमेंट्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो बस। ये इन सब के तरीके वही हैं जो आपने पहले पढ़े थे, वो सारे अप्लाई करके देखना, आंसर यही आएगा। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि डायगनल मैट्रिक्स का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये जो डायगनल एलिमेंट्स है ना इनको मल्टीप्लाई कर दो। फाइव को सिक्स से करो थर्टी, थर्टी को सेवन से करो टू टेन, तो डिटरमिनेंट इसका टू टेन आएगा। सिंपल तरीका निकालना। अब जरा एडजॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट में आपको एक मैट्रिक्स मिलती है ना, जरा देखते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, ये जो एलिमेंट जहां पे जीरो है, एडजॉइंट में भी जीरो ही आएगा, तो इन सब एलिमेंट्स इन सब पोजीशन पे आप जीरो लगा दो, मसला डायगनल का ना असल। तो डायगनल के एलिमेंट कैसे आएंगे, फाइव की जगह पे पता है आप क्या लिखोगे, बाकी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। फाइव की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिखो, बाकी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स को सेवन से करो फोर्टी टू यहाँ पे लिख दो। अच्छा, सिक्स की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे फाइव और सेवन को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, स्टूडेंट बता सकते हैं सेवन की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, थर्टी, बाकी दो एलिमेंट को लिख दो थर्टी। इतना इजी तरीका होता है जॉइंट निकालने का, कोई कोफैक्टर नहीं निकालने, कोई ट्रांसपोज नहीं देना, सिंपल तरीके है। और सबसे आसान जो आप पढ़ोगे वो इनवर्स है। क्यों, इनवर्स सबसे मुश्किल होता है। इनवर्स का तरीका आप देखोगे दो ढाई पेज का सॉल्यूशन होता है इनवर्स निकालने का, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर एडजॉइंट निकालोगे इतना बड़ा, उसके बाद आप डिवाइड करोगे, फिर इनवर्स आएगा। लेकिन डायगनल मैट्रिक्स का इनवर्स इतना ईजी है, क्या करना होगा आपको, जस्ट ये जो एलिमेंट्स है ना इनको रेसिप्रोकल कर दो। फाइव का रेसिप्रोकल वन अपॉन फाइव, जीरोस को अपनी जगह पे रहने दो, जीरोस को नहीं छेड़ना आपने। सिक्स का रेसिप्रोकल वन अपॉन सिक्स, सेवन का रेसिप्रोकल वन अपॉन सेवन, दैट्स इट। तो जो भी डायगनल मैट्रिक्स है उनका इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है। तो दैट्स वाई आप डायगनल मैट्रिक्स प्रेफर करते हो। जितने भी सॉफ्टवेयर और ये जो एल्गोरिथम आप बना रहे होते हैं ना, आपकी कोशिश होती है कि डायगनल मैट्रिक्स किसी तरह आ जाए, क्योंकि
जो कंप्यूटर है वो भी कैलकुलेशन ही करता है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स में कैलकुलेशन आपकी बड़ी आसान हो जाती है। अब ये 3x3 की है, मैं इसको 100x100 की भी बना दूं, यहाँ पे 100 रॉ 100 कॉलम, निकालने का तरीका बड़ा इजी है, कैलकुलेशन आपकी काफी आसान हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई हम कोशिश करते हैं हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स किसी तरह आ जाए, और डायगोनल मैट्रिक्स की मदद से आप काफी आसानी आपको हो जाती है। ठीक है, तो इसको जरा कॉपी कर लो, ये जो तीन चीजें बताई हैं, मैं फिर अगला सवाल करवाता हूँ। तो 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 7 में हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, आपको ए और बी दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कोई भी इसमें से प्रॉपर्टी वेरीफाई कर। तो मैं दो आपको समझा देता हूँ, एक मैं खुद करवा देता हूँ। आप लोग जरा देखो, आप लोगों ने इनवर्स भी सीखा है, एडजॉइंट भी सीखा है, पार्ट 1 2 3 में जरा देख के बता दो, कोई भी एक पार्ट मैं करवा दूंगा, बता दो कोई भी पार्ट मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 का कोई भी एक पार्ट बता दो, तो देखने में मुश्किल लग रहा हो, टू मुश्किल लग रहा है, चलो टू हम कर लेते हैं, बाकी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। पार्ट 1 में ये चीज लिखी हुई है, एक काम करते हैं पहले 2 कर लेते हैं, फिर आपको बातें थोड़ी बहुत समझ आ जाएंगे सारी। प्रूव आपको करना है कि ये अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स कहते हैं इसको, ये आपको प्रूव करना है। और सॉरी मैट्रिक्स लिखी नहीं है मैंने, मैट्रिक्स आपको क्या किया मैंने, ए है 11। अब देखो ये 2x2 मैट्रिक्स है ना, तभी कैलकुलेशन आपकी आसान होगी, अगर यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स होती तो इनवर्स इतने मुश्किल होते, आपका सारा टाइम इनवर्स निकालने में लग जाता। ठीक है, अच्छा जी प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पिक करो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी और इसका आपने इनवर्स लेना है। अब इसको छोड़ दो ऐसे ही, क्योंकि आपको ए भी नहीं पता, जब ए भी पता होगा तभी आप उसका इनवर्स निकालोगे किसी तरीके से, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं, पहले हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हमारे पास डायरेक्ट ए बी इनवर्स आ जाएगा। तो क्या करो, सबसे पहले आप ए बी निकालो, ए बी का मतलब मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, पेपर में नीचे नीचे लिखना है आप लोगों ने। रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो 11 मतलब ये रॉ है और ये कॉलम है, मल्टीप्लाई करो, 11 को 1 से करो 11, 10 को 2 से करो 20, कॉलम खत्म, जगह छोड़ो दूसरे कॉलम पे आ जाओ, 11 को मल्टीप्लाई करो 3 से 33, 10 को मल्टीप्लाई करो 1 से 10, कॉलम खत्म, सेकंड रॉ पे आ जाओ, इस रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 7 को 1 से करो 7, 5 को 2 से करो 10, जगह छोड़ो क्योंकि सेकंड कॉलम पे जा रहे हो, 7 को 3 से करो 21, 5 को 1 से करो 5, जरा मल्टीप्लीकेशन दोबारा देख लिया आप लोगों ने। अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, ए बी मैट्रिक्स क्या आई है, 31, 43, 17 और 26, ये आपने ए बी निकाल दिया। अब इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब ए बी का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो ए बी का एडजॉइंट भी पता होना चाहिए, ए बी का इनवर्स भी पता होना चाहिए। तो पहले हम एडजॉइंट इनवर्स निकाल लेते हैं, सॉरी एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं ए बी का, फिर हम इनवर्स निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का तो बड़ा आसान तरीका होता है बच्चों, 2x2 मैट्रिक्स का अभी आप लोगों को बताया था कि अगर आपको ए बी का एडजॉइंट निकालना है तो सिंपल तरीका क्या है, 31 और 26 इनकी पोजिशन चेंज करो, ये हो जाएगा 26 31, और इनके साइन चेंज करो, -43 -17, तो जो एक ही स्टेप में आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब जरा डिटरमिनेंट निकालते हैं ए बी मैट्रिक्स का, 31 43 17 26, 31 को आप लोगों को बोलूंगा आप लोग कैलकुलेशन में डिले करोगे तो जरा खुद ही कर लेते हैं, 31 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, तो आंसर आ रहा है 806, 17 को मल्टीप्लाई करो 43 से, 17 मल्टीप्लाई 43, ये आ रहा है 731, लेकिन आप लोगों को पता है दरमियान का साइन चेंज होता है, इसको आप माइनस कर दो 806 से, तो आंसर आ रहा है 75। ठीक है, तो ए बी का आपने डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, 75 आ गया। अब वक्त है इनवर्स निकालने का, तो वक्त आ गया आपका, अब आप निकालो सिंपल इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए बी का इनवर्स निकालते हैं जरा, ए बी के इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा आगे लिख देता हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी
डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला होगा। तो जरा अप्लाई करते हैं, ए बी का एडजॉइंट क्या आया है, 26, 43 माइनस 17 और 31 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट क्या है, 75। मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करो उसका मतलब कि उसके हर एलिमेंट को उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो फाइनलाइज लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, आप हर 26 को डिवाइड कर दो 75 से, अच्छा माइनस 43 को डिवाइड कर दो 75 से, माइनस 17 को डिवाइड कर दो 75 से और 31 को डिवाइड कर दो 75 से। मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको 1 बोल दो। लेफ्ट हैंड साइड आपने पूरी सॉल्व कर ली है। अब आगे कैलकुलेशन राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर देना इसको। पहले बी इनवर्स ए इनवर्स तो आना चाहिए ना, और बी इनवर्स और ए इनवर्स के लिए इनके बी के और ए का एडजॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट भी पता होना चाहिए, तब आप इनके इनवर्स निकालोगे ना। तो पहले जरा इन सब की चार चीजें निकाल लेते हैं, मतलब ए का एडजॉइंट और डिटरमिनेंट, बी का एडजॉइंट और डिटरमिनेंट, ये चार चीजें आ जाएंगी, फिर इनके इनवर्स आएंगे, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए का एडजॉइंट, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके सामने ए है, एडजॉइंट निकालो। क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं ए का एडजॉइंट क्या होगा, फाइव माइनस 10 और माइनस 7 11। क्या किया, ये पोजीशन चेंज की और इनके साइन चेंज कर दिए, ए का एडजॉइंट आ गया। इसी तरह हम सामने ही आप लोगों ने पेपर में नीचे ही करना है, बी का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। पोजीशन चेंज करो, फर्क नहीं पड़ेगा, 1-1 ही है। और साइन चेंज करो, -3 -2, ये आपने बी का एडजॉइंट निकाल दिए। अब वक्त आया इनका डिटरमिनेंट, जगह कम है तो दैट्स वाई मैं ये वाला स्टेप नहीं कर रहा कि ये सिंबल नहीं लगा रहा, डायरेक्ट मैं इसका डिटरमिनेंट ले लेता हूँ ए का। तो ये ए मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट लो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो 55, माइनस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो 70। तो आंसर क्या आ रहा है, -15। अब मैं बी का भी ज्वाइन, बी का भी डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, माइनस करो, रिजल्ट आ रहा है -5। जब ये चार चीजें आपने निकालनी है, अब वक्त आ गया इनके इनवर्स निकालने, और जब इनवर्स आएगा फिर आप मल्टीप्लाई करना है इनको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, फॉर्मूला लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप लोग। ए इनवर्स होगा कि ए का एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट है 5 माइनस 10 माइनस 7 11, उसको डिवाइड करना है ए के डिटरमिनेंट से, ए का डिटरमिनेंट -15 था। अच्छा जी, बी इनवर्स निकालते हैं। बी का एडजॉइंट क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 2 1, इसको आपने डिवाइड करना है -5 से, ठीक है। तो फाइनली ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 5 को जब आप डिवाइड करोगे -15 से तो -1/3 आ जाएगा, -10 को -15 से करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 2/3 हो जाएगा, मतलब 10/15 क्या होता है, 5 से कैंसिल करो 2/3। -7 -15 को डिवाइड करो माइनस ही बस कैंसिल होगा, और 11 और -15 को करो -11/15, ये फाइनलाइज आपने ए इनवर्स निकाल लिया। अब जरा बी इनवर्स को निकालते हैं, जिस पे स्टूडेंट ने चूज किया था ना, बिल्कुल सही चूज किया, काफी लंबा सवाल चूज किया। 1 को डिवाइड करो -5 से तो -1/5, -3 को -5 से करो नेगेटिव कैंसिल 3/5, -2 को -5 से नेगेटिव कैंसिल, और 1 को -5 से करो तो -1/5, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आखिरी स्टेप क्या रह गया, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। अच्छा जी, नाउ राइट हैंड साइड आपकी क्या थी, बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा जी, बी इनवर्स क्या आया है, -1/5, 3/5, 2/5 और -1/5, और ए इनवर्स है -1/3, 2/3, 7/15, -11/15, ठीक है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई का काम है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। मल्टीप्लाई आपने किस तरीके से करना है,
अगर आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना ऐड करने में मसला है तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, कोई आपको नहीं कह रहा कि एलसीएम लेके पूरा आपने दिखाना है। सबसे डायरेक्ट काम तो आप ये कर सकते हो, ये वाला स्टेप आप लिख लेना क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आपको दिखानी है, फिर नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेटर यूज कर लेना। माइनस फाइव को अगेन वही बात, इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस वन अपॉइंट फाइव को माइनस वन अपॉइंट थ्री से करो, माइनस माइनस पॉजिटिव फाइव और थ्री मल्टीप्लाई होंगे 15, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 15। 3 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करो 7 अपॉन 15 से, 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 15, तो थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो, 3 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 5, 5 5 जा 25, 7 अपॉन 25, ठीक है। अब पहला कॉलम खत्म हो गया, जगह छोड़ो, इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस वन अपॉन फाइव को टू अपॉन थ्री से करोगे तो हो जाएगा माइनस टू अपॉन फिफ्टीन, और थ्री अपॉन फाइव को माइनस इलेवन अपॉन फिफ्टीन से करोगे, अगेन आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई माइनस इलेवन अपॉन फिफ्टीन, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो हो जाएगा माइनस इलेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव, ठीक है, फाइव और फाइव से मल्टीप्लाई होगा ट्वेंटी फाइव, कॉलम खत्म। अब सेकंड ड्रॉ पे आ जाओ, टू अपॉन फाइव को अगेन मल्टीप्लाई करो माइनस वन अपॉन थ्री से, तो माइनस टू अपॉन फिफ्टीन, और माइनस वन अपॉन फाइव को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस सेवन अपॉन फाइव को फिफ्टीन से करोगे तो सेवेंटी फाइव। इसी तरह टू अपॉन फाइव को टू अपॉन थ्री से करो तो फोर अपॉन फिफ्टीन, माइनस वन अपॉन फाइव को माइनस इलेवन अपॉन फिफ्टीन से करो तो प्लस इलेवन अपॉन सेवेंटी फाइव, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वक्त आ गया एलसीएम लेके, अब आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करना है और आंसर लिखना है आपको, तो सबसे पहली बार वन अपॉन फिफ्टीन प्लस सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव, 15 और 25 का एलसीएम जो है ना बच्चों 75 होता है, क्योंकि 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 15 के टेबल में 15 ही आता, 25 थ्री जा 75 होता है, और 75 के टेबल में 15 आता है, तो सिंपल लैंग्वेज में इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 75, 15 फाइव टाइम जाता है 5 को 1 से करो 5, 25 थ्री टाइम जाता है 3 को 7 से करो 21, तो सिंप्लीफाई करो 5 प्लस 21 क्या होगा 26, तो ये हो गया 26 अपॉन 75, ठीक है। अभी डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेना, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, अगर वैसे फ्रैक्शन नहीं आती आपको सॉल्व करना कैलकुलेटर से करना। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, अगेन एलसीएम जो है 75 होगा, 15 फाइव टाइम जाता है 5 को माइनस टू से करो माइनस 10, 25 थ्री टाइम जाता है 3 को माइनस 11 से करो माइनस 33, तो ये हो जाएगा माइनस 43 अपॉन 75, देखते जो आंसर मैच करता जा रहा है उससे, पहली रो हमारी सेम है। अब इसको सॉल्व करो, इनका एलसीएम तो ऑलरेडी 75 आया हुआ है ना, तो 75 एलसीएम है, 15 फाइव टाइम जाएगा तो माइनस 10, और 75 तो वन टाइम जाता है तो माइनस 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 17 अपॉन 75, जो कि आपको वहां नजर आ रहा है। अब आखिरी एलिमेंट रह गया, इसको सॉल्व करते हैं, अगेन एलसीएम 75 ही होगा, 5 टाइम जाएगा ये 20, 11 तो हो जाएगा 31 अपॉन 75, जो कि आपको वहां पर नजर आ रहा है। तो ये करने के बाद जो राइट हैंड साइड आपने सिंप्लीफाई की है इसको आप नाम दे दो टू का। अब बस सिंपल एक जुमला लिख देना के कहां लिखो, चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, तो जुमला लिख देना बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नहीं क्या हो उसको वन एंड टू बोल दो ज्यादा बेहतर है, वन एंड टू इस नतीजे पे आप पहुंचे हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि भाई आपने वन और टू को कंपेयर किया और आपने देखा है इनकी ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों की सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर है, सवाल आपका प्रूफ। खैर थोड़ा बड़ा पार्ट था, अब बाकी जरा पार्ट को देख लो, प्रोसेस आपने यही करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, और कुछ सवालों में राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई नहीं होगी, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर टू या वन में मैंने क्लियर किया था के प्रूफ करने के दो तीन तरीके होते हैं। अब जैसे पार्ट वन है, पार्ट वन में आपको ये चीज प्रूफ करनी है, अब इसमें राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना ही नहीं है आपने, आपने बस लेफ्ट हैंड साइड को करना है, तो आप यहां पे क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड पिक करोगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए इनवर्स चाहिए आपको, ए इनवर्स आएगा तो दोबारा आप उसका इनवर्स निकालोगे ना, तो पहले आप ए इनवर्स निकालने की कोशिश करना। अब ए इनवर्स कैसे आएगा, जब आपको एडजॉइंट और डिटरमिनेंट पता हो, तो सबसे पहले सवाल में आप पहले एडजॉइंट निकालोगे, फिर आप डिटरमिनेंट निकालोगे, फिर आप लिखोगे ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट,
वही सॉल्व करना, आपके पास इनवर्स आ जाएगा। वंस आपके पास इनवर्स आ जाए, अब आपको उस इनवर्स का भी इनवर्स निकालना है। तो अगर आपको बोला जाए कि जो ए इनवर्स है इस मैट्रिक्स का, आपको इनवर्स निकालना है, तो अगेन वही, अगर इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और डिटरमिनेंट आपको पता होना चाहिए। तो जब आपके पास ए इनवर्स आ जाए ना, उसके बाद आप क्या करोगे, इस ए इनवर्स का एडजॉइंट लोगे, इस ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लोगे। जब आ जाएगा उसके बाद ए इनवर्स का जब इनवर्स लोगे तो फॉर्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, आप देखोगे बिल्कुल, जब सिंप्लीफाई कर लोगे लेफ्ट हैंड साइड को, आप देखोगे कि वो पूरा मैट्रिक्स ए के बराबर है, जो सवाल में मैट्रिक्स ए गिवन होगी ना, एग्जैक्टली उसके बराबर आ जाएगा। आप लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने स्टेप्स आप लोगों को बता दिए, सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालोगे डिटरमिनेंट, फिर ए इनवर्स आ जाएगा। जैसे ए इनवर्स आ जाए फिर आप उस ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, फिर उस ए इनवर्स का जब आप इनवर्स निकालोगे तो ये फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट को डिवाइड करना डिटरमिनेंट से, आपके पास सिंपल लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, आप देखना वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और इसी तरह पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ए बी बराबर होना चाहिए एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ठीक है, अच्छा इन्होंने ऑर्डर कुछ कहना चाह रहा है, कौन सा सिंबल बनाया यार हमने, अरम तुम सिंबल कौन सा बना रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, हटा लिए। अच्छा ये पार्ट नंबर 3 है ना, ये एक सेकेंड रखो, अच्छा पार्ट नंबर 3 में आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप देखो ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एडजॉइंट दिया हुआ ए बी का, तो आप सबसे पहले क्या करना, ए बी निकालना। ए बी कैसे निकालोगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, जब ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद आप उसका एडजॉइंट ले लेना, 2x2 की मैट्रिक्स है ना तो एडजॉइंट काफी ईजी होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे क्या करना है, एडजॉइंट बी को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट बी से, तो सिंपल आप क्या करना, पहले ए का एडजॉइंट निकाल लेना, फिर बी का एडजॉइंट निकाल लेना, फिर एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, इसको सॉल्व करना, देखना ये पूरी चीज जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, दोनों पार्ट उसके सेम ही है, पार्ट नंबर 2 में आयोटा आ रहा है, तो चलो मैं आयोटा वाला करवा देता हूँ। करना क्या है आपको, लिखा हुआ है सबसे पहले एक मैट्रिक्स है 1 iota 1, ये वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 1 minus iota minus iota 1, और इनका जो प्रोडक्ट है उसका आपने क्या करना है, इनवर्स लेना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में है कि 1 minus iota minus iota 1 का इनवर्स और 1 iota iota 1 का इनवर्स। अगर आप ऑब्जर्व करो ये काम कर आए हो आप, वही चीज तो है जो अभी आपने की है, कंसीडर कर लो ये मैट्रिक्स ए है, इसको कह लो ये बी है, तो वही तो चीज आ रही है, ये जो बी है यहाँ पे आ रही है और ये जो ए है यहाँ पे आ रही है, सिंपल क्या है, ये है ए बी का इनवर्स, राइट हैंड साइड पे क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये वही चीज है जो हमने अभी प्रूव किया। बस अब करना क्या है यहाँ पे, ये मैं करवा नहीं रहा आप लोगों को, बता रहा हूँ कि स्टेप्स क्या करोगे इसमें, एग्जैक्टली वही प्रूफ है, वही आपने सब काम करने, लेकिन यहाँ पहले आप इनको नाम दे देना ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। आप कह देना कि लेट ए जो है वो है 1 iota iota 1, और दूसरी को नाम दे देना बी 1 minus iota minus iota 1, ये नाम दे देना इसको। तो जब आप नाम दे दोगे ना तो ये पूरी चीज अब क्या बन जाएगी, पूरी चीज बन जाएगी ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये एग्जैक्टली पूरी चीज ये बन जाएगी, मतलब आपको अब ये प्रूफ करना है। इस तरह आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा जब आप नाम दे दोगे ना मैट्रिसेस को, फिर आप डालना प्रूफ की एडिंग। लेफ्ट हैंड साइड जब आप कैलकुलेट करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो सबसे पहले आपको ए बी कैलकुलेट करना है, ये ए है ये बी है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, शायद आयोटा में कोई हल्की फुल्की बात हो। 1 iota iota 1, 1 minus iota minus iota 1, तो ये चलो मैं काम करके दिखा देता हूँ। 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से 1, आयोटा को माइनस आयोटा से करो माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा से, आयोटा को मल्टीप्लाई करो 1 से, सेकेंड रॉ को पहले कॉलम से करो, आयोटा को 1 से करो, 1 को आयोटा से करो, आयोटा को माइनस आयोटा से करो, 1 को 1 से करो। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1,
तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन होगा, वो वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में वन प्लस वन टू, ये माइनस वन होता है ना, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, वन प्लस वन टू हो जाएगा। ये तो आपस में कैंसिल, इसी तरह ये भी आपस में कैंसिल, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस वन होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव, वन प्लस वन ये भी आ जाएगा। उसके बाद आपको इसका इन्वर्स निकालना है। अब आपको कोई नहीं कह रहा इन्वर्स के पूरे स्टेप्स आप दिखाओ। इसका इन्वर्स बड़ा ईजी है, मैंने क्या बताया था, जब डायगनल मैट्रिक्स हो तो इन्वर्स कैसे निकालते हो, क्या इन्वर्स होगा बच्चों इसका? 1/2, 1/2 एक्सीलेंट भाई, ये जो डायगनल एलिमेंट्स है ना, इनका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/2 0 0 1/2, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके सिंप्लीफाई हो गई, इन्वर्स आपके पास आ गया। अब राइट हैंड साइड करना, राइट हैंड साइड में क्या करना है, सबसे पहले बी का इन्वर्स। अब इसका इन्वर्स कैसे लोगे, पहले जॉइंट निकालना है इसका, इसकी पोजिशन चेंज करना, सेम ही लगेगा, साइन चेंज करना, तो ये आयोटा और आयोटा हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट क्या होगा, वन माइनस माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करो तो आयोटा स्क्वायर, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस आता है ना, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो इसका डिटर्मिनेंट टू आ जाएगा। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका भी टू आ रहा होगा, इसका भी टू डिटर्मिनेंट है, तो फिर आप इसका इन्वर्स निकालना, मतलब इसके जॉइंट को आप डिवाइड करना डिटर्मिनेंट से, इसका भी आप इन्वर्स निकालना, वो जो दोनों इन्वर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना। आप खुद ऑब्जर्व करोगे राइट हैंड साइड आपकी यही बन रही होगी, ठीक है। और इससे ऊपर जो सवाल है वो भी यही है, उसमें भी सेम यही है, पहली वाली मैट्रिक्स को ए नाम दे देना, दूसरी को बी नाम दे देना। तो राइट हैंड साइड पे देखो पहले बी है फिर ए है, तो एग्जैक्टली आपको यही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा हुआ है, यूज एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना है। अब देखो पार्ट वन पार्ट टू में तो बहुत छोटी छोटी मैट्रिसेस है, इसको आप लोग देख लेना, बहुत दफा इनवर्स निकाला है। जो पार्ट नंबर फाइव है वो इजी है, क्यों, उसमें कुछ एलिमेंट जीरो हैं, तो आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी, तो वो मैं नहीं करवा रहा। पार्ट नंबर सिक्स में भी दो जीरो है, पार्ट नंबर थ्री और पार्ट नंबर फोर में एक एक जीरो है, तो मैं आप लोगों को पार्ट नंबर फोर करवा देता हूँ। सबसे पहले इनको हम नाम दे देते हैं। अच्छा, इसमें से देख लेना कि शायद कुछ मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट जीरो आए हो, ये मैं स्टेप्स आप लोगों को बताता हूँ अभी। जब आप इन्वर्स निकालते हो ना किसी मैट्रिक्स का, तो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है, अगर किसी का डिटरमिनेंट जीरो है तो इन्वर्स तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो ये ना हो कि पहले आप एडजॉइंट निकाल लो, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के एक लंबे स्टेप्स हैं पूरे, आप पूरा एडजॉइंट निकाल लो, आप डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट जीरो आ रहा हो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो बेहतर तरीका क्या है कि पहले आप डिटरमिनेंट निकाल लो, आप देखो अगर डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो आप लिख दो कि सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर देयरफॉर इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, या इट्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी लिखने लगे। अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा तो फिर आप लिखो सिंस इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है देयरफॉर इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो फिर आप एडजॉइंट पूरा निकालो, जब एडजॉइंट आ जाए फिर आप इनवर्स निकालो, सही है। आज जरा सॉल्यूशन पे, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम जरा डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम आर थ्री, मैं आर थ्री से एक्सपेंड, आप आर थ्री या कॉलम थ्री से कर सकते हो, क्योंकि एक जीरो है ना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी आपकी, जरा देखते हैं कैसे इजी होगी। अगर आप एक्सपेंड करते हो ना आर थ्री से, तो साइन आपको पता होना चाहिए, इसमें पहले के साथ पॉजिटिव, दूसरे के साथ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन आपको पता होना चाहिए। तो पहले एलिमेंट के साथ पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन इसके साथ ऑलरेडी नेगेटिव है, जिस रॉ में उस रॉ को डिलीट करो, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट करो, ये चार एलिमेंट आ जाएंगे 3, 1, 4, 5, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ नेगेटिव आता है, नेगेटिव वन, जिस रॉ में रॉ को डिलीट करो, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट करो, तो अब सेकंड कॉलम डिलीट होगा तो बचेगा क्या, 2, 3, 4, 5। अब देखो आसानी ये है कि मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो जीरो हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई अभी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है जब आपके पास जीरो आ जाए, तो उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, 3, 5 15, 4, 1 4, दरमियान में नेगेटिव, 2, 5 10, 3, 4 12, दरमियान में नेगेटिव। अच्छा जी, 15 - 4 ये होगा 11, 11 को -5 से करो तो -55, 10 - 12 -2, -2 को -1 से करो तो +2,
तो यहाँ पे आप देखो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, -53, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। वैसे डिटरमिनेंट काफी अजीब आ रहा है इसका, इनवर्स फिर मसला होता है। बहरहाल अच्छा एक काम यहाँ पे करते हैं, ये जो आपने डिटरमिनेंट निकालने का तरीका सीखा है ना, इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट बाय लेप्लाशियन एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन आप करते हो ना, डिटरमिनेंट निकालते हो, ये जिस साइंटिस्ट का तरीका है उसका नाम था लेप्लास, जिसके नाम पे है लेप्लाशियन एक्सपेंशन। तो ये जो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है लेप्लाशियन एक्सपेंशन है, जो आप 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पर लगा सकते हो। एक और भी डिटरमिनेंट का तरीका होता है जो जस्ट वैलिड है 3 by 3 मैट्रिक्स के ऊपर। 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। वो तरीका नॉर्मली शॉर्टकट बताया जाता है, लेकिन वो ऐसा जितना शॉर्टकट है नहीं, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको एक नया तरीका भी पता होना चाहिए। वो जस्ट 3 by 3 पे वैलिड है, ठीक है। उसको जरा देख लेते हैं फिर बाकी काम करते हैं। वैलिड ऑन 3 by 3, बस 3 by 3 पे वैलिड है जो मैं बताने लगा। और इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं सेरिस रूल। जस्ट 3 by 3 पे वैलिड है। और ये कहता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये मैट्रिक्स ही ना, आप इसको लिखो ऐसी 2, 3, -5, 3, 1। ये पहले आप लोगों की बुक में होता था, इस वाली बुक में शायद उन्होंने हटा दिया है, या शायद गिवन हो, मैंने देखा नहीं है। ये आपने मैट्रिक्स लिखी ना, उसके बाद क्या करो, ये जो शुरू के 2 कॉलम है एज इट इज कॉपी करो, 2, 3, -5 और 3, 1, 1। मतलब आपने मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद शुरू के 2 कॉलम आपने एज इट इज कॉपी कर दिए। ये करने के बाद क्या करोगे आप, डायगनल बनाओ इस तरीके से। एक डायगनल ये बन गया, एक डायगनल ये बन गया, एक डायगनल ये बन गया, 3 डायगनल आपके बनेंगे। और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15, 15 को -5 से करो तो -75, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12। ये डायगनल जो भी है इनको आपस में ऐड कर दिया आपने। माइनस करना है किससे, उल्टे डायगनल, ये वाले डायगनल ना, डायगनल डायगनल तीसरा डायगनल, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 से करो 9, 9 को 0 से करो 0, 2 को 5 से करो 10, 10 को 1 से करो 10 आएगा, 4 को 1 से करो 4, 4 को -5 से करो -20। तो कुछ लोगों को इजी लगता है, मैंने बता दी, मर्जी आपकी। -75 और 12 क्या होगा, -63 और माइनस माइनस पॉजिटिव, सॉरी 10 और -20 क्या होता है, -10। -10 को माइनस से करोगे तो ये +10 हो जाएगा, ठीक है। और -63 और 10 क्या होगा, -53, जो आपने यहाँ पे निकाला था। तो ये शॉर्टकट बताई जाती है नॉर्मली, लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों बताते हैं इसको, लाइक सेम ही है, इसमें कौन सी शॉर्टकट है। लेकिन बहरहाल 3 by 3 पे वैलिड है ये आंसर, आपको देखने में लग रहा है सेम ही आएगा ऑब्वियसली, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने बता दिया, जहन में आ रहा था। वंस अगर आपने देख लिया कि यार इसका एडजॉइंट 0 नहीं है, सॉरी डिटरमिनेंट 0 नहीं है, आप लिख दो, सिंस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल। जब आपको पता चल गया इनवर्स पॉसिबल है, वही बात है जैसे आप किसी जगह पे जाते हो, आप कोई बहुत मशहूर बंदे हो, आपकी जान को खतरा है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी वाले जाएंगे, वो देखेंगे क्या यार ठीक है यहाँ पे क्लियर है, जब वो क्लियर है आपको बुला लेंगे। वही चीज है कि वो सिक्योरिटी यहाँ पे डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट जाएगा सबसे पहले, वैल्यू निकालेगा अपनी, वो देखेगा कि वैल्यू मेरी 0 नहीं आ रही, तो वो आपको बोलेगा हाँ भाई इनवर्स पॉसिबल है, मतलब एडजॉइंट को बोलेगा वो कि इनवर्स पॉसिबल है, आओ एडजॉइंट निकाल लो, क्योंकि एडजॉइंट एक बड़ी चीज है, पहले निकाल लोगे बाद में डिटरमिनेंट 0 आ रहा होगा तो फिर वो फालतू का टाइम है। तो अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर पता होने चाहिए। मैंने क्या बताया था, एडजॉइंट कैसे निकालते हो, इन 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर पता होने चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, ये 9 कोफैक्टर निकालते हैं। वो जो 9 कोफैक्टर आ जाएंगे फिर हम एडजॉइन निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11, मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर 1 + 1 और माइनर। माइनर कैसे निकालोगे भाई, सिंपल है, 2 का निकाल लो ना कोफैक्टर, तो उसका माइनर कैसे आएगा, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, 4 ये बचेंगे। ये मैं 3 एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर बताता हूं, फिर अगर किसी को मसला हो तो पूछ लेना।
वन प्लस वन टू होता है, माइनस वन की पावर टू पॉजिटिव, तो इसको छोड़ दो, इसको सॉल्व कर लो। वन को जीरो से करो जीरो, फाइव को वन से करो फाइव, दरमियान में फॉर्मूले का नेगेटिव आंसर आ जाएगा माइनस फाइव। अब निकालते हैं ए वन टू का, माइनस वन की पावर वन प्लस टू, और वन टू वाला एलिमेंट ये है, पहली रॉ को डिलीट करो, दूसरे कॉलम को डिलीट करो, थ्री माइनस फाइव फाइव जीरो, ठीक है। अब देखो वन प्लस टू थ्री होता है, माइनस वन की पावर थ्री डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लिख दिया। थ्री को जीरो से करो जीरो, फाइव को माइनस फाइव से करो माइनस ट्वेंटी फाइव, दरमियान में फॉर्मूले का नेगेटिव, इस माइनस को ट्वेंटी फाइव से करना तो माइनस ट्वेंटी फाइव। फिर वन थ्री को पिक करते हैं, वन थ्री मतलब इस एलिमेंट की बात की जा रही है, तो इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को करो, तो चार ये एलिमेंट बचेंगे, थ्री माइनस फाइव वन वन। अगेन वन प्लस थ्री फोर पॉजिटिव आएगा, इवन है, कोई जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। थ्री को वन से करो थ्री, दरमियान में नेगेटिव, वन को माइनस फाइव से करो माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये हो जाएगा एट। ये तीन को फैक्टर मैंने निकाले, कोई मसला है तो यहां तक पूछ लो, बाकी छह जो है वो मैं जल्दी से निकाल लूंगा, आप लोग बस देखते रहना। तो मसला नहीं, चलो मैं निकाल लेता हूँ जल्दी से। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, अच्छा टू वन इस एलिमेंट की बात की जा रही है, डिलीट वो डिलीट, थ्री फोर वन जीरो नेगेटिव आएगा, जीरो माइनस फोर ये हो जाएगा फोर। अच्छा इसकी बात हो रही है, ये रॉ डिलीट, ये कॉलम डिलीट, कॉर्नर के चार एलिमेंट, टू फोर माइनस फाइव जीरो, पॉजिटिव भी आएगा, टू जीरो जा जीरो प्लस ट्वेंटी, आंसर ट्वेंटी। इस एलिमेंट की बात हो रही है, रॉ डिलीट कॉलम डिलीट, टू थ्री माइनस फाइव वन, बाहर नेगेटिव आएगा, टू प्लस फिफ्टीन ये हो जाएगा माइनस सेवनटीन। अच्छा जो जीरो एलिमेंट है ना उसका भी कोफैक्टर निकलेगा, डिटरमिनेंट आप निकालते, डिटरमिनेंट निकालते हुए जीरो को आप कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आप, लेकिन जॉइंट में आपको कोफैक्टर निकालना होता है, तो जीरो का कोफैक्टर तो आप निकाल सकते हो, रॉ को डिलीट करो कॉलम को करो, ये लो बच्चों ये एडजॉइंट तभी इतना लंबा काम होता है, थ्री बाय थ्री का बड़ा मुश्किल होता है एडजॉइंट निकालना। तो ये नौ कोफैक्टर आपने निकाल लिए, अब आप एक कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओगे, उसका ट्रांसपोज लोगे तो एडजॉइंट आएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका यहां तक। चलो जी अब एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है पहले उसको लिखते हैं, माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव और एट, फोर ट्वेंटी माइनस सेवनटीन, इलेवन टू माइनस सेवन, और इसका आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अच्छा एक काम डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, आपको पता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है ना, मतलब ट्रांसपोज में आप क्या करोगे, रॉ को कॉलम बना दोगे, तो बेस्ट तरीका है कि अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाह रहे हो और डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना चाह रहे हो तो फिर इनको आप कॉलम वाइज लिखो, मतलब आप लिखो माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव एट, फिर लिखो फोर ट्वेंटी माइनस सेवनटीन, फिर लिखो इलेवन टू और माइनस सेवन। अगर आप कॉलम वाइज लिखोगे इन सब नंबर्स को तो फिर तो मतलब आपने डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया, डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा, या फिर आप इसको रॉ वाइज लिखो और प्रॉपर डेफिनेशन फॉलो करो एडजॉइंट की, कि कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दी, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, अब आप इसका ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट आ जाएगा। दोनों तरीके आपकी मर्जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपकी मर्जी कुछ भी कर सकते हो। तो ये रॉ है इसको कॉलम बना दो, फोर ट्वेंटी रॉ है कॉलम बना दो, इलेवन टू सेवन रॉ है कॉलम बना दो, ये आपके पास बच्चा एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया, अब वक्त आ गया इनवर्स निकालने का। तो आप लिखो नाउ इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स डिटरमिनेंट।
एडजॉइंट यहाँ पे क्या है, ये पूरा एडजॉइंट आया है, माइनस फाइव माइनस 25 एट 4 20 माइनस 17 11 2 माइनस 7, इस पूरे एडजॉइंट को डिवाइड करना है डिटरमिनेंट से जो कि माइनस 15। तो क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि माइनस 15 ऐसी अजीब सी चीज है, क्या सिंप्लीफाई करोगे, बस माइनस 5 को माइनस 15 से डिवाइड करोगे, माइनस ही कैंसिल होंगे इनके और 5 अपॉन 53 आ जाएगा। 4 को डिवाइड करो तो माइनस 4 अपॉन 53, 11 को डिवाइड करो तो माइनस 11 अपॉन 53, माइनस 25 माइनस 53 माइनस कैंसिल 25 अपॉन 53, 20 को डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करो, अच्छा जी 8 को करते हैं, माइनस 17 माइनस 53 माइनस कैंसिल 17 अपॉन 53 और माइनस 7 और ये तो जगह 7 अपॉन 53, ये आपके पास बच्चों इनवर्स आ जाएगा इतनी मेहनत करने के बाद।